स्वागत है आपका जीएस अकेडमी पीजीटी कोर्स में। मैं करवा रही थी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमने पढ़ा था पहले पिछले वीडियो में, वो था कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर? तो कैसे कॉन्जुगेट करते हैं और कैसे इक्वालिटी ऑफ टू, अगर इक्वल दिया है तो एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आज मैं उसके वेस्ट पे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी। क्लियर? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ 3x-7+2i इज इक्वल टू -5y+5+x i। इन दोनों में x एंड y की वैल्यू निकालनी है। अगर आपके पास z1 इज इक्वल टू z2 है तो क्या करते थे हम, इफ z1 इज इक्वल टू a+iB, z2 इज इक्वल टू c+iD, आर इक्वल इफ a इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। मतलब फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू इसके इक्वल होगा एंड देन दिस इज इक्वल टू दिस, इमेजिनरी और रियल इक्वल होगी, ये मतलब है। तो रियल ऑफ जेड फर्स्ट वाले में क्या है, 3x-7 इज इक्वल टू रियल ऑफ जेड -5y। क्लियर? यहां से इक्वेशन बन जाएगी 3x+5y = 7। हो गया क्लियर? एंड इमेजिनरी ऑफ जेड इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ जेड 2y iota छोड़ देना है, 5+x कितना हो जाएगा -x+2y = 5। अब तो 10th में भी पढ़ा है, इलिमिनेशन कर दो, सब्स्टिट्यूशन कर दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, अब किसको, मैं इसे बना दूंगी, इसको 3 से सॉरी इसको किसी के मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको किससे करूंगी 3x से बना दूंगी, 3x+5y = 7 -3x+3 = 6 और 15। क्लियर? कट हो गया, कितना हुआ 11 और ये कितना हो गया 22, वाई कितना हुआ 2। क्लियर? किसी में भी पुट कर दीजिए 2 की वैल्यू, इजी वाले में पुट कर दिए, मैं इसमें कर दूंगी -x+2 × 2 = 4 = 5, -x = 1, x कितना है आपका -1। क्लियर हुआ? वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट करते हैं। चलिए सेकंड है आपका, सेकंड पार्ट, x-1 3+iota + y-1 3-iota = iota। क्लियर? सबसे पहले तो मैं रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट कैसे अलग करूं, ये तो सारा मिक्स है, तो आपको पहले ठीक करनी पड़ेगी इक्वेशन। नीचे a+b a-b क्या होता है, a² - b² ये घर ले जाइए तो कितना x-1 3-iota एंड ये घर ले जाइए y-1 3+iota = iota। क्लियर? आप मल्टीप्लाई कीजिए 3x-x iota - 3 - iota - plus iota। सिमिलरली 3y + y iota - 3 + -minus iota / 9 - minus plus iota² कितना होता है 1। ठीक है, अब इस तरफ क्या था इक्वल टू आयोटा, अब ठीक कर दीजिए 3x + 3y रियल पार्ट्स -3 - 3 - 6। क्लियर? एंड इमेजिनरी पार्ट आयोटा एक ये वाला, ये और ये आपका कट हो रहा है। क्लियर? आयोटा नेगेटिव और पॉजिटिव एंड ये बचा -x, तो आप -+iota बाहर लिख दीजिए -x + y। क्लियर? -x और y, नीचे कितना बचा 10 और इस तरफ तक क्या आयोटा था, तो आयोटा का क्या मतलब है 0+iota, रियल पार्ट इज 0 इमेजिनरी पार्ट इज 1। अब इक्वेट कर दीजिए, कैसे लिख सकती हूँ मैं 3x+3y - 6 = 10/10 = यस 0, क्योंकि इस तरफ रियल पार्ट 0 है, -x+y / 10 = 1। आयोटा से आयोटा मतलब इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर दीजिए, कितना है -x+y = 10। हियर 3x+3y समथिंग इनटू 0 0 और -6 + 6, इसको ठीक से मल्टीप्लाई कर दीजिए -3x+3y = 30, काट दीजिए 6y = 36, x कितना है 6 आया, किसी इसमें पुट कर दो y, -x
प्लस सिक्स इज इक्वल टू टेन माइनस एक्स, इस तरफ जाएगा फोर आ जाएगा, एक्स कितना आया माइनस फोर। बहुत इजी, कुछ नहीं है, बस आपको एलजेब्रा अच्छा होना चाहिए, एलजेब्रा अच्छा है तो फिर फटाफट हो जाएगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, ये तो था हमारा रियल वैल्यूज निकालनी थी एक्स एंड वाई कि अगर आपका ये इक्वेशंस दिए। क्लियर, अब हमारा क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालो, पहले स्टैंडर्ड है तो सीधा ही कॉन्जुगेट निकालो, अदरवाइज पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना है देन कॉन्जुगेट। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी थी, ए प्लस आयोटा बी। क्लियर, चलिए फर्स्ट है वन माइनस आयोटा वन प्लस आयोटा, तो आपको पता ही है क्या है, डिनोमिनेटर में आयोटा है, क्या कर दो रैशनलाइज, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी, नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ये क्या हो गया कट, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस वन, माइनस टू आयोटा एंड माइनस माइनस प्लस हियर इज ऑल्सो टू, तो कितना है माइनस आयोटा, तो क्या मेरी इक्वेशन जीरो माइनस आयोटा। ये आपका क्या निकला, ये निकला स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपको क्या करना है कॉन्जुगेट करना है, तो कॉन्जुगेट क्या हुआ जीरो प्लस आयोटा, ये आपका आंसर है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी एंड थ्री माइनस आयोटा, अभी भी बता दिया कि आयोटा नीचे है तो आप क्या करिए रैशनलाइज कीजिए किससे, थ्री प्लस आयोटा थ्री प्लस आयोटा। क्लियर, अब ये और ये कैंसिल हो गया, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स आयोटा प्लस टू आयोटा स्क्वायर एंड हियर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब तो फटाफट ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, ये आयोटा स्क्वायर था, आयोटा टू आयोटा इंटू आयोटा, अब तो विदाउट कैलकुलेशन भी अगर आप माइंड से करते हो तो लिख सकते हो माइनस टू आयोटा स्क्वायर माइनस टू। क्लियर, ये कितना हो गया टेन हो गया, तो कैसे लिखना है इसको जेड की फॉर्म में, ये है आपका माइनस टू बाय टेन मतलब माइनस वन बाय फाइव प्लस थ्री बाय सिक्स बाय टेन, थ्री से काट दो और इसको टू से सॉरी टू से काट दो और थ्री से काट दो, थ्री टू सा और टू फाइव सा, टू से कटेगा थ्री और फाइव आयोटा, ये आपका निकला जेड। क्लियर, तो क्या हुआ जेड कॉन्जुगेट, जेड कॉन्जुगेट आपका हुआ माइनस वन बाय फाइव माइनस थ्री बाय फाइव आयोटा, ये क्या कहा था रिप्लेस करना पॉजिटिव आयोटा को माइनस आयोटा से, आगे जो मर्जी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं सी पार्ट। ओके, सी है आपका कि टू प्लस आयोटा टू प्लस थ्री आयोटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, टू टू जा फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व। क्लियर, नीचे वही है टू माइनस आयोटा, आपको क्या करना है रैशनलाइज करना है साथ साथ में, इजी, तो कितना हुआ ये माइनस नाइन, तो कितना हो गया माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व आयोटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे, क्लियर, मल्टीप्लाई कीजिए माइनस टेन माइनस फाइव आयोटा प्लस ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर आयोटा प्लस ट्वेल्व आयोटा स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस फाइव, फोर प्लस वन फाइव, माइनस टेन एंड दिस वन इज माइनस ट्वेल्व एंड हियर ट्वेंटी फोर में से ट्वेंटी फाइव चलेंगे प्लस नाइनटीन आयोटा बाय फाइव, माइनस ट्वेंटी टू प्लस नाइनटीन आयोटा अपॉन फाइव। ठीक है, क्लियर है, फाइव टू जा टेन, फाइव वन जा फाइव, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, ट्वेल्व आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस ट्वेल्व एंड टेन माइनस ट्वेंटी टू। आप देखिए ये निकला जेड, जेड कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस ट्वेंटी टू, क्लियर, माइनस बाय फाइव लिख लो अलग से, यहां इसकी जगह माइनस लगेगा नाइनटीन बाय फाइव आयोटा, दिस इज द जेड कॉन्जुगेट। क्लियर, चलिए लास्ट करते हैं, चलिए लास्ट करते हैं, फाइंड द रियल नंबर एक्स एंड वाई इफ दिस इनटू दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, तो पहले आपको इसको ठीक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री,
x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा क्लियर इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ दिस. इसका कॉन्जुगेट कितना होगा माइनस 6 प्लस 24 आयोटा. आयोटा की जगह नेगेटिव आयोटा लगा दिया. क्लियर आप ठीक कीजिए 3x प्लस 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा माइनस 5y आयोटा स्क्वायर. क्लियर उस तरफ ये आएगा माइनस 6 प्लस 24 आयोटा. क्लियर हुआ. चलिए रियल पार्ट्स अलग से आयोटा स्क्वायर ही 5 इंटू वाई आयोटा इंटू कैपिटल. आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस 1 तो प्लस हो गया एंड इमेजिनरी पार्ट्स अलग से माइनस 3y प्लस 5x माइनस 3y प्लस 5x एंड देन हियर माइनस 6 प्लस 24 आयोटा. क्लियर है. चलिए अब रियल पार्ट्स इक्वेट कीजिए रियल से इमेजिनरी इमेजिनरी से 3x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 6 एंड 3y माइनस 3y प्लस 5x इज इक्वल टू 24. क्लियर अभी ठीक नहीं है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि 15 बन जाए. इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए. क्लियर 3 3 9 15y 18 नेगेटिव इधर माइनस 15y प्लस 25x. क्लियर एंड हियर 4 5 20 120 कट हो गया 34x 102 एंड देन 4 3 12 एंड 3 3 9 1. क्लियर मतलब 34 3 102 हो गए. अब किसी में भी पुट कर दीजिए एक वैल्यू 3x की वैल्यू इसमें पुट कर देती हूँ 3 × 3 प्लस 5y इक्वल टू 6 5y इज इक्वल टू 6 माइनस 9 3 3 9 x की वैल्यू कितनी है 3 4 3 12 3 3 9 तो इसमें पुट कर दूँ 3 3 9 यस 3 3 9 प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 6. क्लियर 9 प्लस 5y इक्वल टू माइनस 6 5y माइनस ओके हो गया माइनस 15 कितना आया y की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 3. आई होप क्लियर हो गया होगा. ठीक है चलिए नहीं क्लियर होता तो बार बार वीडियो देखिए प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस करके ही आपको अच्छे से कमांड हो जाएगी इसमें. और बाकी मैं तो इतना कम करवा यहाँ पे मुश्किल है कि सारे क्वेश्चंस करवाए. आप प्रैक्टिस कीजिए आप जो पीजीटी की तैयारी करना है उसको तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आता है पता ही होगा सबने दिया है. क्लियर तो उसके लिए इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मतलब दिन रात इतने से काफी नहीं होगा. मैं तो कंसेप्ट सिखा रही हूँ देन उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करा रही हूँ बट कंसेप्ट मैं सारे के सारे सिखाऊंगी देन हाँ जब हमारा पूरा प्लस वन प्लस टू हो जाएगा पूरा का पूरा तो मैंने प्रीवियस 10 ईयर के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी. क्लियर चलिए बाकी मेरा वीडियो पसंद आता है तो आगे भी शेयर कीजिए ताकि बाकी को भी फायदा हो. और जो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. क्लियर चलिए चलिए फिर थैंक यू आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.